अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट प्रोग्राम्स इन सी प्लस प्लस। पहले हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट देखी, देन इफ एल्स स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड प्रोग्राम देखे, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट इन प्रोग्राम्स इन सी प्लस प्लस। इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट। एक हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट हो, उनमें से एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को चूज करने के लिए, या हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हो तो एक स्टेटमेंट को चूज करने के लिए इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज की जाती है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कंडीशन। कंडीशन की बेस पे हम लोगों ने जस्ट एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। इसका सिंटैक्स देखें, इसका सिंटैक्स है इफ, ठीक है, इफ के साथ कंडीशन है, राउंड ब्रैकेट के अंदर, आगे कोई कोलन वगैरह या सेमी कोलन नहीं है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर। जब भी हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो हम उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, अगर सिंगल स्टेटमेंट हो तो वो कर्ली ब्रैकेट के बगैर लिखी जाती है। कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक वन आ गया स्टेटमेंट का, ठीक है। एल्स इफ, ठीक है, ये एक कंडीशन है, इसके बाद दूसरी कंडीशन है एल्स इफ, इसके साथ कंडीशन है, आगे कोई सेमी कॉलन वगैरह नहीं है। जब भी कंडीशन लिखी जाती है तो राउंड ब्रैकेट में लिखी जाती है और उसके आगे कोई कॉलन या सेमी कॉलन नहीं होता, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर दूसरा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट आ गया, ठीक है। फिर अगेन एल्स इफ और साथ कंडीशन लिखी जाती है ये, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक थ्री। ऐसे जितनी भी ये ब्लॉक होंगे, ठीक है, वो लिखे जाएंगे, और एट द एंड एल्स, एल्स का मतलब ये कि पीछे जितनी भी कंडीशंस लिखी गई हैं उनमें से कोई भी नहीं ट्रू, ठीक है, तो एल्स का मतलब ये है कि उन कंडीशंस की निगेशन, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जितनी पीछे कंडीशन है उन सबकी निगेशन है, और ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक एन, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट देखें फ्लो चार्ट देखें, इसके फ्लो चार्ट में ये है कि कंडीशन वन अगर ये ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक वन ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से प्रोसेस क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन वन फॉल्स होगी तो हम कंडीशन टू पे आएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक टू स्टेटमेंट्स का एग्जीक्यूट होगा और यहाँ से क्या होगा, ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। इसी तरह चलते चलते अगर ये सारी कंडीशंस फॉल्स हो रही होंगी, चलते चलते हम कंडीशन एन पे आ जाएंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक एन जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ से प्रोसेस क्या होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, एल्स वाली कंडीशन के साथ जो स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और यहाँ पे हमारा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में क्या होता था, इफ स्टेटमेंट में जस्ट ये होता था कि कंडीशन को चेक किया जाता था, अगर वो कंडीशन ट्रू होती थी तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो फिर क्या होता था, नथिंग हैपन्स, हमारे पास कुछ भी आउटपुट में नहीं मिलता था। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता था कि अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू है तो वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती थी, और अगर इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स वाली कंडीशन ट्रू होती थी, ठीक है, और एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो, एल्स वाली जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। इफ एल्स स्टेटमेंट की सूरत में अगर एक कंडीशन ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होगी, अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर एल्स वाली कंडीशन एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी, उस केस में एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती थी और एक स्किप होती थी। अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन है, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, वन बाय वन चेक किया जाता है, अगर कोई उनमें से जो ट्रू होती है तो फिर वो वाले स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाती है, अगर उनमें से कोई भी ट्रू नहीं होती तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इसकी वर्किंग देखें, द टेस्ट कंडीशंस इन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस अंटिल अ ट्रू कंडीशन इज रीच्ड। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल कंडीशन है हमारे पास, मल्टीपल स्टेटमेंट है, ठीक है, अब वन बाय वन ये चेक होती है और जब तक ट्रू कंडीशन पे हम नहीं पहुंचते
ये वाली क्या होगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब हम ट्रू कंडीशन में पहुंच जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, एबो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगी। सीक्वेंस में ये प्रोसेस चलता है, कंडीशन वन ट्रू चेक होगी, कंडीशन टू होगी, कंडीशन चलते चलते एन तक आएंगे। ठीक है, इफ अ कंडीशन इज ट्रू द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड, द रिमेनिंग ब्लॉक्स आर स्किप। अगेन वही कि इनमें से जो कंडीशन ट्रू होगी उसके करिस्पोंडिंग जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी, और बाकी जितने भी ब्लॉक हैं, बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, स्किप हो जाएंगी। इफ अ कंडीशन इज फॉल्स द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप। अब इन सब में से क्या होगी, एक कंडीशन ट्रू होगी वो एग्जीक्यूट होगी, और बाकी सारी कंडीशन क्या होंगी, फॉल्स होंगी और वो स्किप हो जाएंगी। The statements after the last else are executed if all the conditions are false. One by one सारी conditions को check करेंगे, अगर कोई भी condition true नहीं होगी तो जो else वाली statement है वो execute हो जाएगी। इसका program देखें, write a program that inputs test score of a student and displays the grade according to the following criteria. ठीक है, टेस्ट स्कोर क्या है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो ए ग्रेड बनेगा, 80 से 89 के बिटवीन हो तो बी बनेगा, 70 से 79 के बिटवीन हो तो सी बनेगा, 60 से 69 के बिटवीन हो तो डी बनेगा, और बिलो 60 हो तो एफ बनेगा। ठीक है, हेडर फाइल्स वही, वाइड मेन क्लियर स्क्रीन वही। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो है टेस्ट स्कोर। ठीक है, तो और टेस्ट स्कोर आप फ्लोट भी ले सकते हैं। ठीक है, इंटीजर डाटा टाइप भी ले सकते हैं, यहाँ पे इंटीजर डाटा टाइप ली है, स्कोर का वेरिएबल बनाया है और डाटा टाइप क्या लिया है, इंटीजर ली है। सी आउट डबल कोटेशन के अंदर है, एंटर योर टेस्ट स्कोर, इतना कोलन तक जो होगा वो डबल कोटेशन के अंदर लिखा गया है, एज इट इज डिस्प्ले होगा, और जब हम सी इन स्कोर करेंगे तो जो भी हम स्कोर एंटर करेंगे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इससे देखे आगे देखे, अब यहाँ पे हम मल्टीपल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को यूज कर रहे हैं। इफ सबसे पहले हम लोगों ने कंडीशन लगाई है कि अगर स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो सी आउट डिस्प्ले क्या होगा हमारे पास, योर ग्रेड इज ए। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम कंडीशंस बना रहे हैं। ठीक है, अगर स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हो तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले होगा, योर ग्रेड इज ए। ठीक है, अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, अब यहाँ पे ग्रेड के रिस्पेक्ट से, टेस्ट स्कोर के रिस्पेक्ट से हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस बन रही हैं। ठीक है, तो मल्टीपल कंडीशंस के लिए हम क्या करते हैं, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 ये कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो योर ग्रेड इज ए। एल्स इफ के साथ कंडीशन हम लोगों ने लिखी है स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो फिर क्या डिस्प्ले होगा, योर ग्रेड इज बी। अगेन एल्स इफ के साथ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 तो ग्रेड क्या डिस्प्ले होगा, सी। अगेन एल्स इफ के साथ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो सी आउट हमारे पास क्या होगा, योर ग्रेड इज डी। अब लास्ट कंडीशन रह गई है, लास्ट ग्रेड रह गया हमारे पास एफ, तो इसको क्या कर रहे हैं हम, इसको एल्स के साथ, एल्स के साथ हम कोई कंडीशन नहीं लगाते, इसका मतलब ये है कि जितनी भी पीछे कंडीशंस हैं उन सब की नेगेशन है। तो इसका मतलब क्या, नेगेशन अगर ये है तो लेस देन 60 हो जाएगा, तो योर ग्रेड इज एफ। अब सपोज करें अगर हम स्कोर एंटर करते हैं, मैं कर रही हूँ 67 सपोज कर रही हूँ, तो स्कोर चेक किया यहाँ पे, इस कंडीशन को चेक किया। ठीक है, इस कंडीशन को चेक किया तो स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर एल्स इफ पे आए, अगेन देखा स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यहाँ पे देखा स्कोर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये भी नहीं है तो योर ग्रेड इज सी, ये वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अब इस कंडीशन पे आए हैं, स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 तो ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, योर ग्रेड इज डी।
अगर यही स्कोर मेरे पास होता 43 स्कोर, तो ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं थी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना था, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं थी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना था, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं थी ये योर ग्रेड इज सी ये भी एग्जीक्यूट नहीं होना था, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं थी तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होना था। अब एल्स, अब देखिए पीछे जितनी भी कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो रही, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही, तो एट द एंड एल्स वाली कंडीशन, एल्स वाली स्टेटमेंट जो होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और योर ग्रेड इज एफ। ठीक है, लेस देन 60 हो, एल्स का मतलब ये है कि पीछे जितनी भी कंडीशन है उन सबकी नेगेशन है। इसका फ्लो चार्ट देखें, फ्लो चार्ट में ये है स्टार्ट इनपुट स्कोर, हमारे पास वेरिएबल एक ही है तो वो इनपुट करवाया। अब यहाँ पे ये देखिए कंडीशन को हम हमेशा ये इस शेप में लिखते हैं, इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, यस प्रिंट ग्रेड ए, और यहाँ से प्रोसेस एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर यहाँ पे कंडीशन को चेक, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो नो और नेक्स्ट कंडीशन पे आगे, इज ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 80, अगर ग्रेड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तो यस प्रिंट बी, बी ग्रेड प्रिंट होगा, यहाँ से प्रोसेस क्या होगा टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर ये ग्रेड स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 नहीं है तो इसका मतलब ये कि नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करना है, इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 है तो ग्रेड सी प्रिंट होगा और यहाँ से प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन पे मूव करेंगे, इज स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा तो यस प्रिंट बी, बी प्रिंट करेगा ग्रेड और यहाँ से प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। अगर ये सारे ही कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, वो एल्स वाली स्टेटमेंट जो कि लास्ट होती है वो क्या है एफ को प्रिंट करेगा और यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। आए इसका देखते हैं टर्बो सी प्लस प्लस के ऊपर। ये देखें एंटर योर टेस्ट स्कोर, सीन करेंगे स्कोर, देन इफ कंडीशन के साथ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90, अगर ये ट्रू होगी तो ए होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगा तो बी, बी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होगा तो सी वाली, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होगा तो डी वाली, और अगर लेस देन 60 मीन्स एल्स वाली कंडीशन क्या होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं, जीरो एरर, रन करके देखते हैं। अब देखिए मैं वन बाय वन सब लोगों को बताती हूँ, मैंने किया है 87 तो ग्रेड क्या आया बी आया। अब इस केस में ये वाली 87 था, इस केस में ये वाली कंडीशन को चेक किया ग्रेटर देन इक्वल टू 90 ट्रू नहीं थी तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो हमने नेक्स्ट कंडीशन पे मूव किया स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये वाली कंडीशन ट्रू थी तो बी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई है। ठीक है, अब सपोज करें मैं 23 एंटर कर रही हूँ, योर ग्रेड इज एफ, तो ये वाली भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं थी, कंडीशन ट्रू नहीं थी तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं थी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये वाली भी ट्रू नहीं थी तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये वाली भी ट्रू नहीं थी तो ये एग्जीक्यूट नहीं हुई, और एट द एंड क्या हुई है एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। तो ये काम करता है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट प्रोग्राम पे। राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द इलेक्ट्रिसिटी बिल, द रेट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट आर एज फॉलोस। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, इफ द यूनिट कंज्यूम्ड आर लेस देन इक्वल टू 300 देन द कॉस्ट इज 2 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, अगर जो यूनिट कंज्यूम किए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो 300 या 300 से लेस हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे बनेगा, यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाएगा।
If the unit consumed are greater than 300 but less than equal to 500, then the cost is 5 rupees per unit. अगर जो unit units consumed ही हैं हम लोगों ने, अगर वो 300 से greater और 500 से less हो, तो जो electricity bill बनेगा वो units को 5 से multiply करने से आएगा. If the unit consumed exceed 500, then the cost is 7 rupees per unit. और अगर यूनिट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो 500 से ज्यादा हो तो जो बिल बनेगा वो क्या होगा, यूनिट्स को 7 से मल्टीप्लाई करके आएगा. ठीक है. अ लाइन रेंट 150 रुपीस इज आल्सो एडेड टू द टोटल बिल. अब ये तीनों जो कंडीशंस हैं, जो सी मर्जी कंडीशन हो, जितना मर्जी बिल बने, 150 का जो लाइन रेंट है वो हर बिल के अंदर एड होगा. एंड सरचार्ज ऑफ 500 एक्स्ट्रा इफ द बिल एक्सीड 2000. और ये जो 150 है ये हर किस्म के बिल में ऐड होगा, बेशक वो यूनिट जितना कम हो ज्यादा हो. लेकिन ये जो 5% एक्स्ट्रा सरचार्ज होगा ये सिर्फ उस बिल के लिए होगा जो कि 2000 से ज्यादा होगा. कैलकुलेट द टोटल बिल विद ऑल द कंडीशंस गिवन अबव. अगेन देख लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है वो किस तरह करना है. अगर यूनिट 300 या 300 से लेस होंगे तो जो बिल बनेगा वो यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करने से आएगा. अगर यूनिट्स ग्रेटर देन 300 या लेस देन 500 होगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल 5 को यूनिट से मल्टीप्लाई करने से आएगा. और अगर यूनिट्स 500 से ग्रेटर होंगे तो जो बिल बनेगा वो 7 को यूनिट से मल्टीप्लाई करने से आएगा. इतना हम मल्टीप्लाई करके बिल निकालेंगे, उसके बाद 150 हर किस्म के बिल में ऐड होगा और फिर हम चेक करेंगे कि वो बिल जो है वो 2000 से अबव है या नहीं. अगर अबव होगा तो 5% एक्स्ट्रा हम ऐड करेंगे और नेट बिल कह लें या टोटल बिल कैलकुलेट कर लेंगे. और अगर 2000 से कम होगा तो बिल वही रहेगा, 5% एक्स्ट्रा सरचार्ज ऐड नहीं होगा. अब यहाँ पे देखें, दो हमारे पास वेरिएबल बनते हैं, एक यूनिट और एक बिल. ठीक है, यूनिट्स पॉइंट्स में नहीं आ सकते, इस वजह से यूनिट्स वेरिएबल के साथ हम लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप लिया है. और बिल जो है वो पॉइंट्स में हो सकता है तो फ्लोट डाटा टाइप लिया है. एंटर यूनिट्स कंज्यूम, जो भी हमारे हमने यूनिट कंज्यूम किए हैं वो एंटर करने हैं. ठीक है, सबसे पहले तो हम ये हमारा मेन काम यहाँ से स्टार्ट होता है, यूनिट कितने हैं. ठीक है, वो हम खुद से एंटर करेंगे कि हमारे यूनिट कितने हैं और फिर वो हमारे पास बिल कैलकुलेट होके आ जाएगा. ठीक है, तो डबल कोटेशन के अंदर जितना लिखा है वो एज इट इज प्रिंट होगा. जितना भी हम 300, 400, 500, 750 जितने भी यूनिट्स एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग बिल कैलकुलेट हो जाएगा. तो सीन यहाँ पे क्या किया है, यूनिट. अब यहाँ पे देखें, इफ यूनिट्स ग्रेटर देन 500, यूनिट जो होगा 500 से ज्यादा होगा तो बिल कैसे बनेगा, यूनिट्स को 7 से मल्टीप्लाई करने पर. आगे जो यहाँ पे 3 कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है, एक हमने इफ के साथ लिखी है, एक एल्स के साथ वो नेगेशन हो जाती है बाकी कंडीशंस की, और एक एल्स इफ के साथ. ठीक है, इफ और एल्स वाली लास्ट में आएंगी, फिर बाकी एल्स इफ वो कंडीशंस के हिसाब से 5 आ सकती है, 7 आ सकती है, जितनी मर्जी आ सकती है. इफ यूनिट्स ग्रेटर देन 500, यूनिट 500 से ग्रेटर हो तो बिल कैसे बनेगा, यूनिट्स को 7 से मल्टीप्लाई करने पर. एल्स इफ के साथ क्या है, यूनिट्स ग्रेटर देन 300, तो इसका मतलब ये है कि अगर 300 से ग्रेटर लेकिन 500 से लेस होगा तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे, यूनिट्स को 5 से मल्टीप्लाई करने से बिल बनेगा. और एल्स में क्या हो जाएगा, इन दोनों की नेगेशन, और वो क्या होगी, बिल लेस देन 300 होगा तो क्या आ जाएगा, यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल बन जाएगा. अब यहाँ पे था कि इन कंडीशंस को यूज करने के बाद जितना भी बिल बनेगा उसके अंदर अंदर 150 ऐड करना है. तो यहाँ पे देखें, यहाँ तक हमारे पास बिल बन गया. अब इस बिल में ये जो ये वाला बिल है 150 ऐड करेंगे तो टोटल न्यू बिल बन जाएगा. अब बिल की जो न्यू वैल्यू होगी वो ये वाली होगी. ठीक है, अब इस बिल को चेक करेंगे, अगर तो ये बिल, अब यहाँ पे दो ही कंडीशंस बनती हैं. ठीक है, जब हमारे पास हमने एक स्टेटमेंट को ही सिर्फ एग्जीक्यूट करवाना हो तो फिर इफ यूज करते हैं. अगर हमने दो को करवाना हो, मतलब एक स्किप हो जाए, एक
एग्जीक्यूट हो तो फिर हम इफ एल्स करते हैं, अगर हमारे पास मल्टीपल हो तो हम इफ एल्स इफ करते हैं। अब जब यूनिट्स की बात हुई थी तो हमारे पास मल्टीपल थी तीन, हम लोगों ने इफ एल्स इफ किया था। अब यहाँ पे जो सरचार्ज की बात हो रही है इस पे सिर्फ दो कंडीशन है कि अगर वो 2000 से ग्रेटर होगा तो ऐड होगा 5%, अगर ग्रेटर नहीं होगा तो ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे फिर हम इफ एल्स वाली कंडीशन इफ वाले कंडीशन को यूज कर रहे हैं, ठीक है। इफ ये देखिए यहाँ पे इफ को यूज करने इफ एल्स भी नहीं यूज कर रहे, सिर्फ इफ कर रहे हैं, क्योंकि अगर बिल 2000 से लेस होगा तो यही बिल सी आउट होगा, और अगर बिल 2000 से ग्रेटर होगा तो फिर ये कैलकुलेशन होगी। बिल 2000 से ग्रेटर होगा तो न्यू बिल कैसे बनेगा, जो प्रीवियस बिल है उसका उसका 5% करेंगे तो वो 5% ऐड कर देंगे बिल में, तो न्यू बिल बन जाएगा। तो टोटल बिल इज इक्वल टू, और यहाँ पे बिल की अमाउंट आ जाएगी। यहाँ पे देखें, इस चीज को देखें, यहाँ तक हम लोगों ने यूनिट के हिसाब से ये बिल कैलकुलेट किया, उसके अंदर 150 लाइन रेंट ऐड किया तो ये बिल बन गया। अब यहाँ पे कंडीशन है कि अगर बिल 2000 से ग्रेटर होगा तो फिर क्या होगा, उसका 5% ऐड होगा उसके अंदर और न्यू बिल बन जाएगा। तो ये 5% पहले कैलकुलेट किया है यहाँ पे, फिर वो इस बिल में ऐड किया है और ये न्यू बिल बन गया। तो ये देखिए, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये वाला बिल डायरेक्टली आ जाएगा सी आउट में, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये वाला बिल यहाँ पे आएगा। इसको रन करके देखते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, कंपाइल किया, इसको रन किया। अब यूनिट्स में एंटर कर रही हूँ 450, तो ये टोटल बिल आ गया, ठीक है। और अगर मैं यूनिट्स एंटर करूंगी तो ये 690 बिल बनेगा। 270 बिल है तो इसका क्या मतलब है, इसको 2 से कैलकुलेट करना है। 2 से कैलकुलेट करने के बाद जस्ट क्या होगा, 150 ऐड होगा क्योंकि बिल 2000 से कम बनेगा। इस केस में 300 से लेस था तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई थी। ये इस तरह बिल हुआ था कैलकुलेट, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर उसके अंदर 150 लाइन रेंट ऐड हुआ था, और ये वाली कंडीशन नहीं थी क्योंकि 270 बिल को 2 से मल्टीप्लाई करें और 150 ऐड करें तो 2000 से कम ही बिल बनेगा, तो ये नहीं होगा, ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसके बाद ये दो नहीं होगी और डायरेक्टली टोटल बिल पे आ जाएंगे, और ये जो ये वाला बिल कैलकुलेट होगा 150 ऐड करने के बाद वो यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो देखें, अगर मैं लिख रही हूँ 658 यूनिट्स तो ये इतना बिल है, और इस केस में यहाँ पे लाइन रेंट जो वो 2000 वाली कंडीशन अप्लाई होगी। 657 था तो ये वाली कंडीशन ट्रू है, 7 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 150, 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बिल बन जाएगा। ये दो कंडीशन ट्रू नहीं होंगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये वाली एग्जीक्यूट होगी, और इसके बाद बिल के अंदर 150 ऐड होगा तो ये वाला बिल बन जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे 2000 वाली कंडीशन ट्रू होगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, हमारे पास जो ये वाला बिल आया था इसका 5% इसी बिल के अंदर ऐड करेंगे तो टोटल बिल आ जाएगा, और वो बिल यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो क्लास ये था आज का लेक्चर, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैसे अप्लाई होती हैं और कैसे यूज होती हैं, किस मकसद के लिए यूज होती हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।